अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। चाहे आपको लगे मिर्ची या आप कहें हमें करवा करेला, लेकिन हम कह के रहेंगे करवा सच। बिहार में शराबबंदी है, शराबबंदी यानी ड्राई स्टेट। यहाँ शराब पीना, बेचना और इसे खपाना कानूनन संगीन जुर्म है। आए दिन बिहार में इसकी धरपकड़ भी जारी है। आपको बता दें कि आए दिन बिहार में भले ही धरपकड़ जारी हो, लेकिन आज भी ऑन फोन आपको ये मिल जाएगा, यानी एक कॉल कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, भले ही प्रशासन को मिले या ना मिले। आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें और हम हैं आपके साथ संतोष गुप्ता। करवा सच, जी हाँ, बेहद करवा। लेकिन करवा सच यही है कि बिहार में आज भी शराब खूब बिकती है, खूब परोसी जाती है। करवा सच में आज हम आपको यही दिखाने जा रहे हैं। नालंदा में जनता दल यूनाइटेड, जी हाँ, जिसके सूबे के मुखिया हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाबू, उनकी पार्टी के युवा नेता नग्न धरन होकर शराब के नशे में ऐसे मदहोश हुए कि खूब हंगामा बरपाया। और यही तो नहीं, बल्कि होश उतारने के लिए गाय माल के नाद में सिर डाल के पानी में सिर डुबो दिया कि भैया अब नशा ज्यादा हो गया, उतर जाओ। आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है। नालंदा के युवा नेता ने शराब के नशे में कपड़े उतार के खूब हंगामा किया और नशा उतारने के लिए गाय माल के नाद में सिर डाल दिया। अब आपको बता दें कि अभी सहरसा में एसपी लिपि सिंह ने भी दरोगा बाबू को सस्पेंड किया है। एक वीडियो वायरल हुई जिसमें शराब और शबाब का मजा ले रहे हैं दरोगा बाबू। वीडियो कब की है, कहां की है, कैसी है, इसकी कोई पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह वायरल हुई तो वे सस्पेंड हुए। मामला यही तक खत्म नहीं होती है। मुजफ्फरपुर का भी कांड आपको याद होगा कि जनता दल यूनाइटेड के नेता को जब मामला शराब में फंसा तो पत्नी को उपाध्यक्ष बनाया और बाद में उनको वो भी पद गंवाना पड़ा। मामले ऐसे कई हैं। सत्ता पक्ष के लोग हों तो थोड़ा समय लगता है, जब मीडिया में तुल पकड़ती है, ट्रायल होता है, तब जाके मामला गहराता है और फिर कार्रवाई होती है। आम आदमी तो वैसे ही जौ में घुन की तरह पिस जाते हैं। मामले से थोड़ी सी शराब पी, किसी तरह से खरीदी बेची, जेल जाइए। आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी है तो इसका पालन भी होना चाहिए, लेकिन पालन होगा कैसे? हमारा बिहार चारों तरफ से किसी न किसी प्रदेश से जुड़ा हुआ है। एक तरफ उत्तर प्रदेश है, दूसरी तरफ बंगाल है, झारखंड है, नेपाल है, ऐसे कई राज्यों से सटा हुआ हमारा बिहार है, जहां शराब खूब परोसी जाती है और खूब बेची जाती है और मोटा मुनाफा यानी टैक्स भी कमाया जाता है। जब आसपास के राज्यों में शराब मिल रही हो तो भला शशांक, जब आसपास के राज्यों में शराब मिल रही हो तो भला शराब का बिहार में बंद होना तो शायद असंभव ही है। सरकार पहले ड्रोन से सीखकर खोजने लगी खेत खलिहानों में। अरे भाई साहब, अगर ईमानदार इच्छा शक्ति हो ना तो किसी ड्रोन की आवश्यकता नहीं है। तो पहले तो ड्रोन से खोजी, अब तो और गाहे बगाहे बात यहीं खत्म हो तो बात समझ में भी आए। अब सरकार हेलीकॉप्टर को भी इस सेवा में लगा दी है कि खोजिए, ढूंढिए और पुलिस को बताइए और पुलिस फिर धरेगा, पकड़ेगा। साहब, इतना रुपया पानी की तरह बहा रहे हैं, आखिर ये रुपया हम गरीबों के भी तो हैं, और इनके लिए अगर इनकी सुविधाओं के लिए ये रुपए खर्च किए जाए तो वाह क्या कहने। लेकिन शराब पकड़ने के नाम पर ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद आप ले रहे हैं, इससे क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ यह सिर्फ दिखावे में रह जाएगी, हकीकत इससे कोसों दूर रहेगा। आप देख रहे होंगे कि अभी पिछले दिनों विधानसभा के पास भी बोतलें मिली थी। कोई तो है जो चोर दरवाजे से यह सब कर रहा है और उन पर पकड़ बनाने के लिए पुलिस प्रशासन को सख्त होना होगा और अपनी मुखबिरी और अपनी प्रशासनिक चाक चौबंद व्यवस्था को और दुरुस्त करना होगा। किसी ड्रोन और किसी हेलीकॉप्टर की इसमें आवश्यकता नहीं है, जमीनी स्तर पर इस पर कार्रवाई की आवश्यकता है और इस तभी बिहार में शराबबंदी सफल होगी। हमारा तो यही कहना है कि बिहार में शराबबंदी सफल होना
ठीक वैसा ही होगा जैसे सूरज को दिए दिखाना। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि पूरे देश में जहां भी शराबबंदी लागू है, वह शराबबंदी भले ही लागू हो लेकिन चोरी छुपे वहां तस्कर खूब शराब बिक्री करते हैं। तो ऐसे में तो सिर्फ शराबबंदी बहाना और नाटक। तो ऐसे में तो हम यही कहेंगे कि इन पर रुपया बहाना व्यर्थ ही है, उन रुपयों को गरीब के लिए और विकास के लिए खर्च किया जाए तो कहीं बेहतर। आज करवा सच में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, अनुभवी आंखें दिखाएंगे सच और कुछ नहीं, क्योंकि करते हैं देश की बात सच के साथ।